अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के लिए पैंट का एक और लेटेस्ट डिज़ाइन लेकर आई हूँ। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम अपने ट्राउज़र की लेंथ 3.5 इंच कम रखेंगे। अब देखें, सबसे पहले ये मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की चौड़ाई इस तरह से 1.25 इंच है। फैब्रिक को डबल करके हम साइड से इसको यहाँ से स्टिच कर लेंगे। इसकी हम पट्टी बनाएंगे। ऐसे फैब्रिक को साइड से स्टिच करने के बाद अब इस पट्टी को हम सीधा कर लेंगे बॉल पिन की हेल्प से। ऐसे हम काफ़ी सारी पट्टियों को रेडी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने आहिस्ता आहिस्ता इसको सीधा कर लेना है। इसे सीधा करने के बाद हम इन पट्टियों को प्रेस कर लेंगे और ये जो सिलाई है ये हमारी सेंटर में आनी चाहिए। ये देखें, जैसे मैंने इनको प्रेस कर लिया है, सेंटर में सिलाई आई है। और इसके बाद ये मैंने कपड़े की डोरियाँ भी रेडी कर ली हैं काफ़ी सारी। अब ये मैंने फैब्रिक लिया है। इस फैब्रिक की लेंथ और विड्थ मैं अभी आपको बताती हूँ। इस तरह से ये 3 इंच है और इसकी विड्थ हम अपने पैंचे के हिसाब से रखेंगे। इसके नीचे मैंने बुकरम को पेस्ट कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक डोरी लेंगे। देखें, डोरी की विड्थ भी मैंने अपने पैंचे के हिसाब से ही रखी है। डोरी को इस फैब्रिक के ऊपर रखकर इस तरह से स्टिच कर लेंगे। टोटल मैंने 5 डोरियाँ रेडी की हैं। ये देखें, 5 डोरियों को हम इस फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर थोड़े थोड़े गैप से हमने स्टिच करनी है। जितनी हमारी पट्टी है उतना गैप हम छोड़ेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक साइड से इन डोरियों को स्टिच कर लिया है। अब सेम इसी तरह से हमने दूसरी साइड से इन डोरियों को, ये देखें, यहाँ पर ऐसे स्टिच करना है। ये डोरी मेरी थोड़ी सी छोटी पड़ गई है। दोनों साइड से मैंने, देखें, डोरियों को स्टिच कर लिया है। अब दोनों साइड से इनको स्टिच करने के बाद ये जो मैंने अभी पट्टियाँ रेडी की हैं, एक पट्टी लेंगे और इस पट्टी को हमने इन डोरियों में से, ये देखें, इस तरह से गुजारना है। ऐसे एक पट्टी को इस तरह से गुजारेंगे। अब दूसरी पट्टी को हम ऐसे गुजारेंगे। ये देखें, सेम इसी तरह से अब हम तीसरी पट्टी लेंगे और इस पट्टी को जैसे मैंने पहली पट्टी गुजारी है इन डोरियों में से, सेम इसी तरह से इसको गुजारेंगे। अब एक और पट्टी ले लेंगे हम। और अब इस पट्टी को हम जैसे मैंने दूसरे नंबर वाली पट्टी गुजारी थी, इस पट्टी को हम वैसे गुजारेंगे। सेम इसी तरह से हमने इन सारी डोरियों में से इन पट्टियों को ऐसे गुजार लेना है। यहाँ से हम इनको बराबर करेंगे। ये देखिए, साइड से हम इनको बराबर करके यहाँ से पट्टियों को कट कर लेंगे और अब हम इसको यहाँ से एक साइड से स्टिच करेंगे। अब साथ साथ हम स्टिच करते जाएंगे और साथ साथ हम इन डोरियों में से पट्टियाँ गुजारते जाएंगे। यहाँ पर देखें, मैंने एक साइड से पट्टियों को गुजार कर स्टिच कर लिया है। अब हम इनको यहाँ दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। ऐसे पट्टियों को हमने थोड़ा टाइट करके स्टिच करना है, ढीला नहीं छोड़ना। और यहाँ पर मैंने अपनी डिज़ाइनिंग वाली पट्टी को रेडी कर लिया है। जो यहाँ पर एक्स्ट्रा पट्टियाँ होंगी वहाँ से हम इनको कट कर देंगे। पट्टियों को कट करने के बाद अब ये मैंने बुकरम ली है। इस बुकरम की विड्थ इस तरह से 1 इंच से थोड़ी सी कम है। इसके नीचे मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। दोनों साइड से इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर सेंटर से डबल करके स्टिच कर लेंगे। ऐसे हम इसकी बारीक सी पट्टी रेडी करेंगे। दूसरी साइड से भी इसको इस साइड से भी स्टिच करना है। दोनों साइड से स्टिच करने के बाद ये मैंने पेपर लिया है 1 इंच चौड़ा। अब इस पेपर के ऊपर हमने इन डोरियों को, ये जो मैंने पट्टी अभी रेडी की है बारीक वाली, इस पट्टी को, ये देखिए, मैंने काफ़ी सारी पट्टियाँ रेडी की हैं ऐसी, इन पट्टियों को ऐसे थोड़े थोड़े गैप से स्टिच कर लेंगे। तकरीबन मैंने थोड़ा सा गैप छोड़ा है, देखें। एक साइड से स्टिच करने के बाद दूसरी साइड से स्टिच कर लेंगे। दोनों साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। अब इसके बाद ये मैंने एक और फैब्रिक लिया है।
इस फैब्रिक की चौड़ाई सरह से तकरीबन 1.5 इंच है। इसको हम डबल करके इन पट्टियों के ऊपर यहाँ पर रखकर स्टिच करेंगे। यहाँ पे इस तरह से इनको स्टिच करने के बाद अब इसको खोलकर एक सिलाई हम यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर अब इस पट्टी को भी मैंने रेडी कर लिया है। इसके बाद हमने फ्रिल को रेडी करना है। फ्रिल के लिए ये मैंने फैब्रिक लिया है। फैब्रिक की चौड़ाई इस तरह से 2.5 इंच है। फैब्रिक को डबल करके हम इसको साइड से यहाँ से बिल्कुल किनारे किनारे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद अब इस साइड से हम फ्रिल बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखें, इस तरह से प्लेट डालते जाएंगे और इसको स्टिच करते जाएंगे ऐसे। इस तरह से फ्रिल को बनाकर मैंने इसको प्रेस कर लिया है। अब इसके बाद ये जो मैंने अभी पट्टी रेडी की थी, इस पट्टी को हम फ्रिल के ऊपर ऐसे रखेंगे और यहाँ से स्टिच कर लेंगे। अब इसको स्टिच करने के बाद जो सबसे पहले मैंने पट्टी रेडी की थी डिज़ाइनिंग वाली, ये वाली, इस पट्टी को लेंगे। इन दोनों पट्टियों को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम इनको स्टिच कर लेंगे। ये देखें, दोनों को हमने ऐसे स्टिच करना है। दोनों को स्टिच करने के बाद अब इसको खोलकर एक सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर, ताकि ये बैठ जाए। अब इसके बाद हम इसकी लेंथ मेजर करेंगे। इसकी लेंथ है, देखें, 4 इंच। हम 3.5 इंच अपना ट्राउज़र की लेंथ कम रखेंगे। अब ये मैंने अपना ट्राउज़र लिया है। 5 इंच के ऊपर इस पट्टी को ऐसे रखकर स्टिच करेंगे। अब इसको खोलकर हमने यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना है। टॉप स्टिच लगाने के बाद नीचे से हम पेपर को उतार देंगे। और ये लास्ट में देखें, मैंने अपने 5 इंच को रेडी कर लिया है। कितना ब्यूटीफुल रेडी हुआ है। ऐसा सेम डिज़ाइन आप लोग अपने दामन पर और अपनी स्लीव पर भी बना सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डिज़ाइन? आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।